नौ सूत्री मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। वहीं परिषद के पदाधिकारी राकेश तिवारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर जताया विरोध। मौके पर मौजूद दुर्ग पुलिस ने मामले को शांत कराया। जनहित मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग निगम कार्यालय पहुँच अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता बाकायदा रैली की शक्ल में निगम कार्यालय पहुंच अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बजरंग दल के राजेश तिवारी ने अपनी नाराजगी जताते हुए दुर्ग पुलिस के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क आग लगाने की चेतावनी दी। इस दौरान वहां मौजूद दुर्ग पुलिस के CSP मणिशंकर चंद्रा, मोहन नगर थाना प्रभारी विजय कुमार और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ने निगम कार्यालय में मौजूद भीड़ को काबू कर मामला शांत कराया। इस दौरान बजरंग दल के लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर बाजार अधिकारी का पुतला भी जलाया। इस संबंध में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपनी जानकारी दी है। दलाली जो चल रही है उसके विरोध में हम आए हैं और हम लोग 9 पॉइंट दिए इनको, जो दलाली के इनका चल रहा है, मतलब अवैध काम चल रहा है निगम में। टोटल दलालों का साइन हुआ है, उसके बाद आज बजरंग दल विष्णु को सड़ाए हुआ है और एक महीने का टाइम लिया है उस सब कार्यकाल को अपने गंदगी को सुधारने के लिए। अगर एक महीने के अंदर नहीं सुधरता तो हम लोगों को आंदोलन करेंगे और जितने भी पॉइंट है और हर पॉइंट का हमको रिजल्ट चाहिए। तो बजरंगी भाई जान बोल रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो हमारे बजरंगी भाई आत्मदाह करने का चेतावनी देता है। निगम के ऐसे बहुत सारे मामले हैं लेकिन 9 पॉइंट बनाकर हम आए हैं। दुर्ग नगर निगम को लैंड जहाज बनाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को पूरा कब्जा दिया जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर और बार बार हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम निगम आयुक्त को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने के बाद वो बोलते हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा, जब मन पड़ेगा तब मैं ज्ञापन का जवाब दूंगा। अरे तो हमको एक टाइमिंग बताओ, उन्होंने एक टाइम रखा है कि एक महीने के अंदर मैं निराकरण करूंगा। हमने अपनी बात रखी है कि एक महीने तक जब तक निराकरण और जवाब नहीं देंगे किसी को हिंदू को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अगर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक उग्र आंदोलन करेगा, जिस आंदोलन की जवाबदारी नगर निगम दुर्ग की होगी और प्रशासन की होगी। हमें विगत कई समय से हम आयुक्त महोदय से अवगत कराते आ रहे थे कि विशेष समुदायों को अपने दमान की तरह मतलब किसी प्रकार का सहयोग देते आ रहे हैं, पूरे लाइन से पूरे गरीबों का ठेला गुमटी सब तोड़ते आए हैं अतिक्रमण के वो बोलते हुए, और इंदिरा मार्केट में विशेष समुदायों का लाइन से जमा हो रहा है, जिसे पहले पिछले भोजराम पटेल जी IPS ने पिछले समय तोड़ाया था, फिर वहां पर वो कब्जे कर लिए, फिर भी निगम प्रशासन जो है इसको अनदेखा करती है। खुले में मांस बिक्री हो रही है, निगम प्रशासन उसको भी अनदेखा करती है। हम लगातार निगम प्रशासन को बोलते आ रहे हैं, मतलब ज्ञापन के माध्यम से संज्ञान के माध्यम से बताते आ रहे हैं, लेकिन निगम कभी भी उस चीजों को आयुक्त महोदय कभी किसी चीजों को संज्ञान में लेती नहीं है, ना उसके पीछे कोई कार्रवाई करती है। तो विशेष समुदायों का ऐसा क्या लाभ है निगम को जिसको वो एकदम अपने प्रधान की तरह एकदम पालती है, रखती है, विशेष लोगों को दलाल बना के रखी है, ऐसा क्या है? उसी के विरोध में आज निगम आए, आयुक्त को हमने 9 पॉइंट में आज ज्ञापन दिया। क्या मिला आपको आयुक्त महोदय का कहना यह है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, वहां पर भी वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हमारे विभाग सह संयोजक राकेश रामलखन तिवारी से भी वो बहस करने लग गए कि हम अपने हिसाब से काम करें, अभी भी उनका अंडर एटीट्यूड है, न जाने किसकी सह में वो काम है, अपने सहयोग से वो सोचते हैं हमको सपोर्ट है। वो निगम दुर्ग नगर निगम पूरे हिंदू समुदाय जन समुदाय का है, वो किसी एक समुदाय को सपोर्ट करती है, इसका विरोध किए और बाहर निकल के हमने निगम प्रशासन से परिसर के बाहर आके हमने आयुक्त और बाजार अधिकारी के खिलाफ पुतला दहन किया है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।